असलम नाजीन, मैं शेफ फैसल। तुम ऐसो पाया किचन विद फैसल, तमाम बेहतरीन प्रोग्राम धरती टीवी जो तक खड़ी आया हूँ। इनमें तमाम बेहतरीन रेसिपीज तेन सिखारूँ पाया। चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला तमाम आसान तमाम मज़ेदार एक रेसिपी है, वो तक सिखारबी। चिकन टिक्का मसाला ये कि ठहंदी, चिकन टिक्का मसाला बनाना है, ठीक है। ये देखिए, ये रख दी कढ़ाई, ठीक है। यहाँ पर आधा किलो से तीन पाव जितनी आपने लेनी है चिकन, कढ़ाई रख दो। इनमें मुर्गी भी जिंदो ही, चिकन टिक्का मसाला तमाम बेहतरीन है, बिल्कुल इजी। फौरन को मेहमान अची तो उन्हें समझ ना पे हो तो ये फौरन मुर्गी घुरायो, चिकन टिक्का मसाला घुरायो, इनके ठाई दो। इतने विधी है अध किलो का टे पाजे ती मुर्गी है। असं विजासी अदरक थूम जो पेस्ट एक खाने जो चमचो, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, दो अदद हरी मिर्चों को पेस्ट करके आपने साथ ही डाल देना है, ठीक है। अचानक कोई मेहमान आता है तो ये क्विक रेसिपी है चिकन टिक्का मसाला, बहुत ही ज़बरदस्त थी। दही इसमें डाल देंगे आधा कप या आधा पाव, ठीक है, अध पाव दही या अध कप दही। साथ साथ मैं इसकी भुनाई कर रहा हूँ। ये चिकन टिक्का मसाला की मैरिनेशन आपको दिखा रहा हूँ कि हमने किस तरह करनी है। दही का पानी खुश्क होने तक हमने आलुओं को भूनना है ताकि आलुओं का फ्लेवर उसके अंदर अच्छा सा आ जाए, ठीक है। और राइस हमने निकाल दिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे या तो लेमन जूस डालें या सफ़ेद सिरका डालें, वो आपकी मर्ज़ी। तो मैं सिरका यूज़ कर रहा हूँ, एक से डेढ़ चाय का चम्मच, या लीमे जो रस विझी छोड़ो बचाए जो चमचा भरे, या अच्छो सिरको नॉर्मल वारो है तो वो डेढ़ चाय जो चमचो भी छोड़ो, ठीक है। ये डालने के बाद इसमें थोड़ा कलर देने के लिए यहाँ पर हमारे पास है सेक का फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर सेक का, चिकन टिक्का मसाले का थोड़ा कलर अच्छा है। दही डाल रहा हूँ ना मसाले के साथ तो दही के साथ कलर लाइट हो जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए सेक का ये मिल जाते हैं हर कलर के, तो यहाँ पे हमने डालना है सेक का ऑरेंज फूड कलर। ये हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर, ठीक है। ऑरेंज फूड कलर हाफ टी स्पून डाल दिया, अब इसको हमने करना है मिक्स। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पे मलका फूड का चिकन टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला जो आपके पास अवेलेबल हो, आप तंदूरी भी कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे चिकन टिक्का मसाला, अगर आपके पास तंदूरी मसाला है या आप इसको तंदूरी चिकन बनाना चाह रही हैं तो आप इसको तंदूरी भी इसी तरह ही बनाएंगे, ठीक है। तो मुर्गी असांजी घट, अगर किलो मुर्गी आए या सवा किलो ताई आए तो एक पैकेट पूरा विझंदो, तो ये अध पैकेट माइन में विदो। जब आधा पैकेट बच जाता है ना फिर आपने इसको इस तरह रखो, ही मैरिनेट थी डाढ़ो ज़बरदस्त हो। अच्छी तरह मिक्स करें और इसको अभी हमने क्या करना है, बग़ैर ऑयल के मैरिनेट करके आपने इसको रख देना है दो घंटे कम अज़ कम, कम अज़ कम, वरना छः घंटे भी रख सकती हैं, ठीक है। एक खाने का चम्मच से दो खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल डालने से क्या होता है मैरिनेशन अच्छी होती है, ज़्यादा नहीं, एक से दो खाने के चम्मच। ने लगा देना है दम पे, इसको आपने दही के पानी में ही गलाना है, इसमें पानी नहीं जाएगा। ये मैरिनेट हुई हुई होगी दो घंटे, इसके बाद दही के पानी में ही ये गल जाएगी। अब दो मिनट सिर्फ आपने तेज़ आँच करनी है ताकि इसमें हीट बने, स्टीम बने, उसके बाद हल्की आँच करो, वहीं कवर करे छो, ब्रेक अची वही तो मैं कवर करो, वहीं पचंदो रहो। हाँ, जो पानी खुश करो, अब जो चिकन टिक्का मसाला बन रहा है ना इसका पानी हमने खुश करना है, सिर्फ दही के पानी में ही चिकन गल जाती है, ठीक है। पानी खुश करना है इसको, अभी इसमें कोई चीज़ हमने ऐड नहीं की, ऑयल हम बाद में यूज़ करेंगे। इसका पानी इलाही ज़बरदस्त लगन दुआ, या आप मानी सा भी खाई सको, तो वाइट राइस के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है, वरना आप इसको वैसे खा सकते हैं। अब इसमें हमने क्या डालना है, हरी मिर्चों को कट लगाया हुआ ये दो कीमी बीच से, मोटी वाली जो कढ़ाई गोश्त में हरी मिर्चें डालते हैं ना, ये आपने डाल देनी है तीन चार, ठीक है, तेज़ वाली नहीं डालिएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, प्याज, दो प्याज मीडियम साइज़ के लेंगे, हाफ स्लाइस करेंगे, बीच से कट करके आपने इस तरह काटना है, देख रहे हैं इसका कट, हाफ स्लाइस कटिंग, जैसे स्लाइस में कट किया होता है ना, ये हाफ स्लाइस कट है। ये प्याज आपने इस तरह डाल देना है, ठीक है, बस खोलना नहीं है ज़्यादा, इस तरह प्याज को आपने ये डाल दिया और इसको लगा देंगे दम पर। शिमला मिर्च अभी मेरे पास है नहीं, आपने क्या करना है शिमला मिर्च लेना है एक, उसके भी स्लाइसेस करके ऊपर दम पे लगा दें, पाँच मिनट इसको दम आएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी। कोयले का स्मोक देना चाहें तो एक कोयले का स्मोक भी आप इसमें आखिर में दे सकती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे बिरयानी को हमने दम पे लगा दिया है, इसी तरह कहेंगी शिमला मिर्च डालना चाहें तो ये बहुत ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी है। बिरयानी हमारी दम पे है, पाँच मिनट के बाद हम बिरयानी को भी निकाल देंगे। बात करते हुए रेसिपीज़ बताते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये हम क्या करते हैं प्लेटों में निकाल लेते हैं जो हमारा टिक्का है, बस इसका थोड़ा सा जो मॉइस्चर है, थोड़ा सा जो पानी है वो और ड्राई हो जाए। प्याज भी इसमें गया है तो वो भी पानी छोड़ा है, लेकिन प्याज को हमने क्रंच रखना है, प्याज को हमने गलाना नहीं है, कि प्याज क्रंच होगा
शिमला मिर्च इसमें डालेंगे, क्रंच होगी तो अच्छी लगेगा। आपने ये गला दी ना चीज़ें तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी कम्प्लीट हो गई है, इसको हम डिश आउट करेंगे। बसर जो है इनमें यहीं रहना खपे, बसर के हलवे वांगर न कजो, बस इनके मत सिर्फ तेज़ बाहर इन करे घुमाए पे ताकि इनके अंदर शाइनिंग अची वे, जो इनको मक्खण है जो इनमें थोड़ी घनी कसर है पानी की वो खुश्क वे। अच्छे चावल सा, नान सा, पराठे सा, मानी सा, जी तक सुठो लगे तक खाई सो साइड डिश के तौर पर कोई घर में मेहमान अचन पे तो ये खाई सो था। अध किले में ठाई है तो चार पंज भाती आराम से खाई सन था, किले में ठाईद तो दह भाती आराम से खाई सन था। आप घर में बनाएंगी चार से पाँच अफराद आराम से खा सकते हैं, दस अफराद हैं मेहमान आ रहे हैं या फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो फिर ये आप एक किलो से सवा किलो की बनाएंगी। फिर उसमें हर चीज़ आपने डबल करनी है, प्याज की क्वांटिटी भी आपने बढ़ानी है, शिमला मिर्च भी बढ़ा देनी। बस ये हो गया हमारा तैयार। लेमन जूस अगर डालना चाहें आखिर में आप डाल सकते हैं, चूल्हा बंद कर देंगे। हरी मिर्चें इसमें क्रंची हैं, प्याज इसमें क्रंची हैं, गलाने नहीं हैं, ठीक है। इस तरह साबित साबित जैसे कढ़ाई गोश्त में नज़र आते हैं ना हरी मिर्चें, इस तरह नज़र आनी चाहिए। अगर आपने गला ली तो फिर वो मज़ा नहीं होगा। हरी मिर्चें इसमें जब यूज़ करें तो कोशिश करें कि हरी मिर्च आपकी तेज़ ना हो, नॉर्मल हो, ठीक है। अगर हरी मिर्च आपने तेज़ यूज़ की ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर तेज़ हैं आपको नहीं मिल रही नॉर्मल वाली कढ़ाई गोश्त वाली तो वो आप हरी मिर्च फिर साबित डाल दें, सिर्फ एक दो काट के डालिएगा, वरना क्या होगा ये बहुत स्पाइसी हो जाएगा और ये स्पाइसी होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, साइड्स इसके क्लियर करें। जब भी डिश आउट करते हैं तो डिश को हमेशा क्लियर करके सर्व किया करें। रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी आप देखते हैं क्लियर होती हैं डिशें, इतनी मेहनत से आप बनाएं और उसमें खूबसूरती ना आए डिश में तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। सफाई हो, प्लेटर बिल्कुल आपका क्लियर हो, नीट हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो तो फिर अच्छा लगता है। लुक वाइज भी आपका अपना भी दिल खुश होगा, देखने वाले भी दाद देंगे। देखिए अच्छी तरह इसको हमने क्लियर कर दिया और आखिर में हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, हरा धनिया, ठीक है। आखिर में छविजंदासी सावा धाना, बिरयानी भी पसाने तैयार है, दम तैयार है तो उनके भी कटंदासी। हरा धनिया बिल्कुल लास्ट में आपने डालना है, ठीक है। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हरा धनिया काट के आपने ऊपर से डाल देना है।